गुड मॉर्निंग बेटा। कल बेटा हमने कंप्लीट किया था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में टू डिफरेंट रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये सारी हमने कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज न्यूक्लियोटाइड्स। कौन सा टॉपिक है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो देखो जरा, जब बेटा हमने एक लिविंग टिश्यू को एनालाइज किया तो उसमें हमें दो फ्रैक्शंस मिले थे, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, जो फिल्ट्रेट था हमारे पास वो था एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, और जो रिटेंटेट रह गया था कॉटन क्लॉथ के अंदर उसको हमने बोला था इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि चार तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से थे? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद कर लो बेटा, जिनको याद नहीं है क्या क्या होंगे? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो प्रोटीन हमने पढ़ लिया, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर, दे आर द टाइप ऑफ हेट्रोपॉलीमर। ये सिर्फ क्या होंगे? हेट्रोपॉलीमर होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों हो सकते हैं, होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में वो सिर्फ क्या है? होमो। ठीक है, तो डिफरेंट होमो पॉलीमर्स के हमने एग्जाम्पल करे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में। थर्ड इज लिपिड। लिपिड किसी पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लिपिड्स। क्लियर बेटा, उसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अब ये समझो, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अब फोर्थ वन की तरफ आते हैं, न्यूक्लिक एसिड की तरफ। पहले तो देखो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको जो चीज़ें पता है, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, न्यूक्लिक एसिड दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये किसके पॉलीमर्स हैं, किससे ये बनते हैं? ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब हम न्यूक्लियोटाइड्स अब क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड सारे के सारे किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो पहले तो अब हमें समझना है कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? तो देखो पहले तो इसके साथ लिख लो अपनी बुक्स में, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके बने होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा दे आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से? नंबर वन देखो, फर्स्ट कंपोनेंट इसमें क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट, या फिर फॉस्फेट ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पहला कंपोनेंट बेटा जी। दूसरा कंपोनेंट देखो, दूसरा कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। अब ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको पता है जब हमने पीछे पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें मैंने आपको करवाए थे मोनोसेकेराइड्स में जो पेंटोज शुगर है, याद है ना? ठीक है, पेंटोज मतलब हैविंग फाइव कार्बन्स। तो आरएनए में कौन सा होगा? राइबोज। कौन सा होगा? राइबोज। डीएनए में कौन सा होगा बेटा? डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो देखो जो राइबोज है उसका फॉर्मूला भी हमने किया था C5, पांच कार्बन थे C5H10O5, यही था। और जो डिऑक्सीराइबोज था उसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या रह गया? C5H10O5
CHO4, क्या रह गया बेटा C5H10O4, तो दीज आर द टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, डिपेंड करता है क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है या फिर आरएनए बन रहा है। अगर डीएनए होगा तो पेंटोज शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज। अगर आरएनए होगा तो पेंटोज शुगर कौन सी होगी, राइबोज। ठीक है, तो पेंटोज शुगर या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड वन सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। ठीक है, आपकी बुक में फॉस्फोरिक एसिड लिखा है उसके साथ लिख लो बेटा फॉस्फेट, पेंटोज शुगर के साथ लिख लो मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, अच्छा थर्ड वन देखो, थर्ड कंपोनेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजीनस बेस, कौन होगा बेटा, नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, पहले तो बेटा ये याद करो जल्दी, फिर मैं बताती हूँ नाइट्रोजीनस बेस होते क्या हैं जल्दी। न्यूक्लियोटाइड्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ इन्वॉल्व है, किसके बनने में हेल्प करेंगे, न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दीज न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, किसके बने होंगे, तीन कंपोनेंट्स के बने होंगे, पहला कंपोनेंट फॉस्फेट, दूसरा कंपोनेंट पेंटोज शुगर, तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजीनस बेस। याद होगे, फॉस्फेट पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, अच्छा जो नाइट्रोजीनस बेस है उसको हम हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और रिंग्स में प्रेजेंट होंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर नहीं लिखा है आपकी बुक में तो लिख लो साथ में, फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब पहले तो हम बारी बारी से इनके स्ट्रक्चर्स करेंगे। देखो फर्स्ट हमने लिया पहला कंपोनेंट कौन सा बेटा, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो फॉस्फोरिक एसिड पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच, ऐसे ही है, दिस इज फॉस्फेट। उसके बाद आते हैं पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर में आपको राइबोज का स्ट्रक्चर अब बिल्कुल अच्छे से आता है, हमने किया भी था पीछे। ठीक है, ऑक्सीजन ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे भी क्या आएगा OH। ठीक है, राइबोज में यहाँ पे भी OH और यहाँ पे CH2OH, कौन सी है बेटा ये राइबोज शुगर, कौन सी है राइबोज शुगर। ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा अब डिऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम है, O4 है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कैसे हम याद रखेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान यहाँ पे बेटा सारा, ये फर्स्ट कार्बन है पुत्र, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये चला गया फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, जो डिऑक्सी राइबोज है, डिऑक्सी राइबोज उसमें सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे नीचे ओ एच नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा एच। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो देखो कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ओ एच, यहाँ पे नीचे क्या आ गया एच, यहाँ पे क्या आया ओ एच, यहाँ पे सी एच टू ओ एच, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, डिऑक्सी राइबोज, किसका बन गया बेटा डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये हो गए शुगर मॉलिक्यूल्स, देख लो जल्दी, याद हो गए सारे, फॉस्फेट राइबोज, राइबोज का पहले फॉर्मूला याद करो C5H10O5, जिसने नहीं याद करा है, फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में इस तरह से हमने ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, हर कार्बन के साथ नीचे की तरफ OH लगा दिया। ठीक है, फोर्थ को छोड़ के, क्योंकि ऊपर कौन सा ग्रुप है CH2OH। ठीक है, ये है राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज में सेकेंड पोजिशन पे OH की जगह सिर्फ क्या होगा H, सेकेंड पोजीशन पे OH की जगह क्या होगा H, तो फॉर्मूला क्या बन गया C5H10O4, क्या बन गया C5H10O4। ठीक है, क्लियर, आगे तो ये दोनों क्या हो गए पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, या फिर मोनोसेकेराइड, ये क्या था बेटा फॉस्फोरिक एसिड, क्या था फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजिनस बेस, पहले ये समझो अब नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। सॉरी
अच्छा, नाइट्रोजिनस बेस बेटा दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। प्यूरिन, प्यूरिन नाम याद रखना है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, एंड पिरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं, ध्यान दो, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में आगे क्या क्या आएंगे, दो आएंगे प्यूरिन, कौन कौन से, ये देखो, एडिनिन, एडिनिन एंड ग्वानिन, एंड ग्वानिन, कौन कौन से, एडिनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, क्लियर बेटा, ये दो प्यूरिन है। पिरिमिडिन ये तीन है टोटल, ठीक है, कौन कौन से, पिरिमिडिन, यूरासिल, यूरासिल देन साइटोसिन, साइटोसिन एंड थायमिन, एंड थायमिन, नाम याद करो जल्दी। प्यूरिन दो तरह के हैं, एडेनिन एंड ग्वेनिन, ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए जी, ए जी, ये दोनों कौन है, प्यूरिन, ठीक है। पिरिमिडिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन, कौन कौन से, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको, सी यू टी, कट, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, दीज आर पिरिमिडिन, क्या है ये, पिरिमिडिन, ठीक है, हो गया याद बेटा। अब ये प्यूरिन किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं या पिरिमिडिन किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। प्यूरिन में बेटा हम सिर्फ एक का स्ट्रक्चर करेंगे, दैट इज ऑफ एडिनिन, ठीक है, एडिनिन, तो देखो जरा एडिनिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह से एडिनिन में दो रिंग्स बनी होंगी, एक कंप्लीट रिंग है ऐसे, ये ऐसे टू रिंग्स बनी पड़ी हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एडिनिन, ठीक है, यहां पे लगा है NH2 ग्रुप, यहां पे नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन, देन ऑन सेवंथ पोजीशन एंड ऑन नाइन्थ, यहां पे NH, देखो, ठीक है, ऐसे याद करना है, वन कंप्लीट रिंग है, ठीक है, वन ये फाइव मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो इसमें देखो नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे NH2, नाइट्रोजन, यहां पे NH, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग आप कैसे करोगे, वन यहां से स्टार्ट करना है, टू, थ्री, फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन, ठीक है, सिर्फ एक ही करना है आपने एडिनिन, देखो अच्छी तरह याद हो गया, ठीक है, एडिनिन, क्लियर बेटा। अब इसमें देखो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नंबरिंग आपने याद रखनी है, यहीं से करनी है, ठीक है, पहली पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिर थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिर हम देख रहे हैं ये नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, ये नहीं बेटा, ठीक है, फिर हम देखो सेवंथ पोजीशन पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइन्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है बेटा, वन, थ्री, सेवन एंड नाइन, कौन कौन सी, वन, थ्री, सेवन एंड नाइन, एक बार फिर से देखो, इस तरह से मैंने दो रिंग्स बनाई, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, ये साइड में ग्रुप लगा हुआ है NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन और इधर नाइट्रोजन, ठीक है, नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सिक्स कार्बन हो गया, सेवन, एट, नाइन, ठीक है, तो नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजिशन पे हुआ, वन, थ्री, सेवन एंड नाइन, ठीक है। तो देखो जो प्यूरिन्स होते हैं इसी तरह से वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, डबल रिंग होती है उनमें और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ऑन पोजीशन वन, थ्री, सेवन एंड नाइन, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडिनिन और ग्वानिन दोनों में नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वन, थ्री, सेवन एंड नाइन्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। टोटल मेंबर कितने होंगे बेटा रिंग में, नाइन मेंबर है, ठीक है, तो इट इज नाइन मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे हम याद रखेंगे कि इट इज प्यूरिन, प्यूरिन चाहे एडिनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दोनों ही कैसा होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर बेटा। हमने फिलहाल एक का ही याद रखना है, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज ओनली एडिनिन, क्लियर, ठीक है, देख लो अच्छे से, याद हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में से बेटा
उसमें से भी हम सिर्फ एक का स्ट्रक्चर करेंगे, दैट इज ओनली ऑफ यूरासिल, ठीक है, यूरासिल। तो देखो यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूरासिल इज ओनली वन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से सिर्फ एक रिंग बनी पड़ी है। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एन एच, एन एच, और यहाँ पे भी एन एच, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड ओ। क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल, किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। नंबरिंग अब देखो, अब इसमें नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, सिर्फ कितने मेंबर हैं, सिर्फ 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग। और नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है, अगर यहाँ से 1 स्टार्ट करते हो तब भी 1, 2, 3, 1 and 3, यहाँ से स्टार्ट करते हो तो भी 1, 2, 3, 1 and 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन पोजीशन ओनली 1 and 3, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 and 3। फिर से समझो बेटा, नाइट्रोजिनस बेसिस दे आर ऑफ टू टाइप, कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं, कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, कौन कौन से बेटा, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन सबसे पहले आप याद रखोगे, कौन कौन से हैं बेटा, एडिनिन एंड ग्वेनिन, एडिनिन एंड ग्वेनिन। और पिरिमिडिन कौन से हैं, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन। अब जो आपको एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द स्ट्रक्चर, वो इनका आ सकता है, एडिनिन का स्ट्रक्चर आपको आ सकता है, यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको आ सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना पड़ा होगा, आपको पहचानना है कि वो किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट एडिनिन का स्ट्रक्चर हमने किया, इस तरह से दो रिंग बनी पड़ी हैं, ठीक है। आपको याद रखना है नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे होगा, तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, ऑन पोजीशन 1, पोजीशन 3, पोजीशन 7 एंड पोजीशन 9, ठीक है, 1, 3, 7, 9, याद कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, जो यूरासिल है उसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है बेटा, ऑन पोजीशन 1 and 3, ठीक है, ओनली ऑन 1 and 3, क्योंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है इसलिए 7th और 9th पोजीशन बनेगी नहीं, ठीक है। तो ओनली 1 and 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, क्लियर बेटा, ठीक है। अब अपनी बुक्स देखो, आपकी बुक में राइट हैंड साइड पे सारे नाइट्रोजिनस बेसिस, एक तरफ बेटा प्यूरिन की डायग्राम्स बनी पड़ी हैं, एक तरफ पिरिमिडिन्स की डायग्राम बनी पड़ी हैं, ठीक है। तो प्यूरिन की डायग्राम में एडिनिन की डायग्राम ये आप मार्क कर लो, ठीक है, टिक कर लो, सिर्फ आपको यही पूछी जाएगी, अगर टेस्ट में भी आएगी तो यही आएगी, ठीक है। उसके बाद पिरिमिडिन में यूरासिल एक तो मार्क कर लो, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ड्रॉ भी आपने करना है। अब थायमिन देखो, थायमिन का आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा स्ट्रक्चर थायमिन, ठीक है, बट देखो थायमिन में आपको क्या चीज पूछी जा सकती है। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाया है, यूरासिल का, ठीक है, दिख रहा है ना बेटा आपको, ठीक है। देखो जरा, थायमिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहाँ पे एन एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, ये तो सिंपल आ गया सी एच, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन वाला जो कार्बन है ना, फिफ्थ पोजिशन वाला जो कार्बन है उसके साथ क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। मतलब अगर यूरासिल के साथ फिफ्थ पोजीशन पे, ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, यूरासिल के साथ फिफ्थ पोजीशन पे बेटा अगर CH3 ग्रुप लग जाए, अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा थायमिन, क्या बन जाएगा, थायमिन। मतलब दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है, थायमिन। तो थायमिन का एक और नाम पड़ जाता है फिर, थायमिन के साथ बेटा ब्रैकेट में लिख लो 5-methyl, 5-methyl uracil, क्या नाम पड़ गया, 5-methyl uracil। मतलब फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 5-methyl uracil, ठीक है। यूरासिल में फिफ्थ कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अगर लग गया तो वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया थायमिन, क्या बन गया, थायमिन बन गया, ठीक है। क्लियर बेटा, यहां तक देखो सब क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाते हैं, आगे
दे फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे. क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड. तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए. कौन कौन से हैं बेटा? डीएनए एंड आरएनए, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे हैव थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स. ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड ने न्यूक्लिक एसिड बनाना है, या तो डीएनए बनाएगा या फिर आरएनए बनाएगा. अब मैंने मान लो आपको एग्जांपल दिया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. ठीक है, आरएनए, तो आरएनए में क्या क्या चीजें होंगी? फॉस्फोरिक एसिड, ये तो वैसे ही पड़ा होगा. ठीक है, दोनों में सिमिलर होगा. पेंटोज शुगर आरएनए में कौन सी होगी? राइबोज. कौन सी होगी? राइबोज. और साथ में क्या होंगे? नाइट्रोजिनस बेसिस. कौन से होंगे? नाइट्रोजिनस बेसिस. ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, टोटल हमने अभी कितने नाइट्रोजिनस बेसिस पढ़े? काउंट करो जरा, टोटल नाइट्रोजिनस बेसिस कितने पढ़े? शाबाश, हाँ गुड, पांच पढ़े. ठीक है, कितने पढ़े? फाइव. ठीक है, फाइव नाइट्रोजिनस बेसिस. कौन कौन से बोलो जरा? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल. फिर से कौन कौन से हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल. ठीक है, तो देखो एक न्यूक्लिक एसिड में, एक न्यूक्लिक एसिड में या एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है, चलो एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जैसे आरएनए है, डीएनए है, एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर इनमें से सिर्फ चार चार नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होंगे बेटा. ठीक है, ये देखो फिर इधर बेटा, जैसे अभी हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. ठीक है, आरएनए बनेगा, तो आरएनए में इस तरह से आरएनए की चेन होगी, ऐसे न्यूक्लियोटाइड चेन है ना, ऐसे होंगे ना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मान लो ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े पड़े हैं. ठीक है, जुड़े पड़े हैं, बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में, आगे मैं बताती हूँ कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे. ठीक है, तो देखो हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट है, फॉस्फेट, ठीक है, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, अगर आरएनए है तो कौन सी होगी? राइबोस. ठीक है, और साथ में क्या पड़े होंगे? नाइट्रोजिनस बेस. क्या पड़े होंगे? नाइट्रोजिनस बेस पड़े होंगे. ठीक है, तो आपने याद रखना है, अभी मैंने बोला टोटल नाइट्रोजिनस बेसिस कितने हैं? फाइव इन नंबर. बट जैसे आरएनए में सिर्फ चार प्रेजेंट होंगे, ऐसे डीएनए में भी सिर्फ चार प्रेजेंट होंगे. मतलब आरएनए में कोई एक एब्सेंट होगा, ठीक है, डीएनए में भी कोई एक नाइट्रोजिनस बेस एब्सेंट होगा. तो आरएनए में जो चार नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये देखो, एडिनिन एंड ग्वानिन, एडिनिन एंड ग्वानिन. ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा? साइटोसिन एंड यूरासिल. कौन से होंगे? साइटोसिन एंड यूरासिल. सिर्फ ये चार ही तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस आरएनए में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और अगर मैं डीएनए की बात करूं, इन डीएनए, ठीक है, ध्यान दो बेटा, डीएनए में भी सिर्फ इनमें से चार ही नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे, चार ही नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे. कौन कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, डीएनए में भी पड़ा होगा. ठीक है, साइटोसिन इज ऑलवेज देयर. ठीक है, साइटोसिन भी होगा वहां पे बेटा, और यू की जगह यहां पे क्या होगा? टी. क्या होगा? टी. मतलब बाकी तीन नाइट्रोजिनस बेसिस दोनों में सेम है, डिफरेंस सिर्फ किस में है? एक में, दैट इज ओनली टी एंड यू. यू इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड टी इज प्रेजेंट इन डीएनए. टी किस में प्रेजेंट होगा? इन डीएनए. और यू किस में प्रेजेंट होगा? इन आरएनए. देख लो क्लियर है? ठीक है, क्लियर बेटा? फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स, फॉस्फेट, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस. ठीक है, क्लियर बेटा? तो अगर हम पूरे न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जैसे कि आरएनए, उसमें सिर्फ चार तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे. कौन कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. ऐसे डीएनए में भी चार तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन. ये तो तीनों में सिमिलर हो गए, डिफरेंस सिर्फ किस में आया? ओनली इन द थायमिन.
यहाँ पे होगा थायमिन और यहाँ पे क्या होगा यूरासिल। क्लियर बेटा? ठीक है, अब आगे आओ नेक्स्ट बेटा। लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट कैसे आपस में जुड़ेंगे, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच न्यूक्लियोटाइड है, उनको आपस में जोड़ दिया। बट ये न्यूक्लियोटाइड आपस में किस तरह से, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो तीन कंपोनेंट है ना बेटा, वो तीनों कंपोनेंट आपस में किस तरह से जुड़ेंगे, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर बेटा? तो देखो, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले बेटा हम शो करेंगे पेंटोज शुगर। ये मैंने बना दी पेंटोज शुगर, ठीक है। चलो राइबोज ही ले लो आप, है ना, राइबोज, ओ एच ओ एच ओ एच, यहाँ पे सी एच टू ओ एच, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है, क्लियर बेटा? अब ध्यान दो किस तरह से लिंकिंग होगी। न्यूक्लियोटाइड है क्या इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट के अंदर तीन चीजें हैं, एक मैंने बना दी उनमें से, दैट इज शुगर मॉलिक्यूल, वो कौन सा है, राइबो शुगर, कौन सी है, राइबो शुगर, ठीक है, क्लियर बेटा? अब क्या बचे, दो कंपोनेंट्स बच गए, कौन कौन, एक बच गया फॉस्फेट और एक बच गया नाइट्रोजिनस बेस। क्या बच गया, नाइट्रोजिनस बेस। अब ध्यान दो कैसे न्यूक्लियोटाइड बनना है, जो शुगर मॉलिक्यूल है पेंटोज शुगर, मैंने यहां पे लिख दिया पेंटोज शुगर, ठीक है, उसके फर्स्ट कार्बन के साथ, इधर देखो, फर्स्ट कार्बन के साथ ध्यान दो बेटा, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कार्बन के साथ हमेशा हमेशा कोई नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होगा, कोई एक, कोई नाइट्रोजिनस बेस यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन भी हो सकता है और पिरिमिडिन भी हो सकता है, ठीक है, पिरिमिडिन भी हो सकता है। तो ध्यान दो, अगर यहां पे नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन हुआ, प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन, प्यूरिन में क्या आएंगे, एजी, एडिनिन या फिर ग्वेनिन, ठीक है। मान लो यहां पे है ए, क्या है बेटा, ए मतलब एडिनिन, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट कार्बन के साथ एडिनिन यहां पे जुड़ेगा, तो एडिनिन का जो हमने नाइट्रोजन की पोजीशन करी ना प्यूरिन में, देखो नाइट्रोजन कहां कहां पे था, ऑन पोजीशन 1, 3, 7 एंड 9, ठीक है। तो नाइन्थ नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ बेटा, नाइन्थ नाइट्रोजन के साथ, जैसे देखो पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, ठीक है, और इसका नाइट्रोजिनस बेस का नाइन्थ नाइट्रोजन, नाइन्थ नाइट्रोजन, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर बेटा? मतलब देखो, अब यहां पे मैंने फर्स्ट कार्बन पे यहां पे जोड़ दिया एडिनिन, टाइप ऑफ प्यूरिन, इसका मतलब ये किसके साथ जुड़ा होगा, इस प्यूरिन का, यहां पे कौन सा नाइट्रोजन होगा, नाइन्थ नाइट्रोजन होगा, जो फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और ये बॉन्ड कौन सा आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर बेटा? ठीक है, अगर ये नाइट्रोजिनस बेस पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन, ठीक है, अब मैंने यहां पे OH लिया, मतलब हम RNA की बात कर रहे हैं, तो RNA के केस में पिरिमिडिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो C हो सकता है या फिर U हो सकता है, ठीक है, क्लियर बेटा, या तो C हो सकता है या फिर U हो सकता है। अब मान लो यहां पे है U, ठीक है, मतलब यहां फर्स्ट कार्बन के साथ इधर कौन सा आ रहा है, मान लो U आ रहा है, ठीक है, तो देखो फर्स्ट कार्बन के साथ कौन बनाएगा बॉन्ड बेटा, अब देखो इसमें नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे था, ओनली 1 एंड 3, ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पे था, 1 एंड 3, तो फर्स्ट कार्बन ऑफ द राइबो शुगर और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा कौन बेटा, फर्स्ट नाइट्रोजन, कौन बनाएगा, फर्स्ट नाइट्रोजन, बॉन्ड सेम ही है, कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर, देख लो, समझ आ गया, फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड का नाम वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
कौन सा नाइट्रोजन है वो आपने याद करना है। अगर प्यूरिन होगा तो 9th नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और अगर पिरिमिडिन होगा तो कौन से बेटा 1st नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अभी तक देखो हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें जुड़ी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के अभी इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मतलब जिसमें ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। कौन कौन से? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, इसको हम बेटा बोल देंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसमें से देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। देखो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना पड़ा है, पहचानो इसको। ठीक है, यहां पे मैंने ग्रुप भी मेंशन कर दिया तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है। ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। और यहां पे जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ मैंने जोड़ दिया ये। ठीक है, इसको आप पूरा भी लिख सकते हो इस तरह से, OH OH और यहां पे CH2OH। ठीक है, अब देखो इसका मैंने नाम भी लिखा यहां पे। अब मैंने इसका नाम लिखना है एडिनोसिन, एडिनोसिन। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा? नाम लेके। ठीक है, आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना पड़ा होगा, नाम भी लिखा होगा, तो आपको बताना है ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है या फिर न्यूक्लियोसाइड है या फिर न्यूक्लियक एसिड है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इट इज अ टाइप ऑफ, अभी ये सिर्फ क्या बना, इट इज न्यूक्लियोसाइड। क्या बना बेटा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर यूरासिल के साथ बनाऊं मैं तो भी ऐसे ही पेंटोज शुगर, ठीक है, विद OH मेंशन कर दिया यहां पे, तो आपको पता चल जाएगा किसमें। ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया कौन सा ग्रुप बेटा, ये मैंने लगा दिया, अच्छा कौन सा स्ट्रक्चर, यूरासिल। ठीक है, पिरिमिडिन लगा दिया, दैट इज यूरासिल। तो ये क्या बन गया, इसका नाम अब क्या है, इसका नाम है यूरिडिन। क्या नाम है इसका? यूरिडिन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम है इसका? यूरिडिन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नाम से ही पूछा गया था सीधा कि यूरिडिन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एडिनोसिन इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यूरिडिन लिखा मैंने, याद रखना है, यूरिडिन इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, पता चल गया। ठीक है, मतलब अगर शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजिनस बेस आपस में जुड़ते हैं तो अभी इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड नहीं अभी तक बोलेंगे, अभी तक ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, आप देखो फिर से वही पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर यहां पे अब मैंने जोड़ दिया वही एडिनिन, मैंने आपको शो करा था एडिनिन। ठीक है, तो हमें पता है ये फर्स्ट कार्बन था, सेकंड कार्बन था, थर्ड था, फोर्थ था, और यहां ऊपर कौन सा कार्बन था, फिफ्थ, कैसे था, CH2OH। ठीक है, क्लियर बेटा। अब जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन ये वाला CH2OH, उसके साथ आके फॉस्फेट भी जुड़ेगा, तो फॉस्फेट यहां पे आके देखो पी डबल बॉन्ड ओ, स्टार्टिंग में हमने स्ट्रक्चर किया था OH OH OH, ऐसे था। ठीक है, तो देखो इसका H, ये H, ठीक है, और इसका ये OH, नहीं इसका H बेटा और इसका OH, ठीक है, ये OH और ये H सिर्फ। ठीक है, मतलब अगर देखो कंप्लीट P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ठीक है, OH ऐसे लिख दिया मैंने CH2OH। ठीक है, क्लियर बेटा। तो अब देखो इसका H, सीधा ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखो इसको CH2OH, तो इसका H और इसका OH, ये दोनों वाटर बन के बाहर रिलीज हो जाएंगे।
ठीक है, क्या रह गया बेटा, पी डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ ओ एच, इस तरफ ओ एच, ठीक है, और यहाँ पे सी एच टू ओ, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को अब हम क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट के साथ बन रहा है तो इसको हम बोल देते हैं फिर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्या बोल देते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्लियर, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। फिर से देखो एक बार, पेंटोज शुगर, फर्स्ट कार्बन पे हमने यहाँ पे जोड़ दिया नाइट्रोजिनस बेस, अगर प्यूरिन होगा तो उसका नाइन्थ नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है, बॉन्ड बनाने में, और अगर पिरिमिडिन होगा तो उसका फर्स्ट नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड कौन सा बना बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन था वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया, एस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट के साथ बना तो क्या बोल देंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्चर बना अब इसको बेटा हम अब न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड में तो सिर्फ ये दो चीजें थी, ये नहीं थी, जब फॉस्फेट इन्वॉल्व हो गया देन इट इज नाउ न्यूक्लियोटाइड, अब ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये बन गया हमारे पास कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, क्या बना, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स को हमने आपस में जोड़ दिया। फिर से समझो बेटा एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो पेंटोज शुगर, सबसे पहले ये ड्रॉ करो, पेंटोज शुगर प्रैक्टिस कर लो साथ में बेटा अपनी नोटबुक्स पे, नोटबुक्स निकालो जल्दी, शाबाश जल्दी बेटा, शाबाश। देखो अब पेंटोज शुगर ड्रॉ करो फटाफट, पेंटोज शुगर, ठीक है, नंबरिंग कर लो इसको, 1 2 3 4, ऊपर लिख लेना CH2OH, ठीक है, फिफ्थ कार्बन, 1 2 3 4 ऊपर होगा फिफ्थ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन के साथ हमने जोड़ दिया कौन बेटा, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस अपनी मर्जी से कोई भी बीच में लिख लो और यहाँ पे बॉन्ड मेंशन कर दो, ठीक है, बॉन्ड मेंशन कर दो, बॉन्ड कौन सा है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, ए जी सी टी यू कुछ भी लिख दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर बेटा। और यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, उसके साथ कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, तो वो भी जोड़ो, ऐसे लगा दो पी साथ में, और ठीक है बॉन्ड का नाम लिख दो एस्टर बॉन्ड, क्या नाम लिख दो, एस्टर बॉन्ड। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ के बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या बना लिया बेटा, न्यूक्लियोटाइड बना लिया, एक न्यूक्लियोटाइड बनाया हमने, ठीक है। अब देखो पीछे जो मैंने चेन बनाई थी, मतलब यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये चीज है, फिर देखो एक और बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा पांचवा, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर बेटा। फिर जाके बनेगा न्यूक्लिक एसिड, क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्लियर। अब पहले अपनी बुक्स देखो, लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं एक बार, अ नाइट्रोजिनस बेस ज्वाइन टू द, अ नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे देखो ज्वाइन टू द शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन कर रहा है एट इट्स कार्बन वन, अंडरलाइन कर लो कार्बन वन, ये देखो इसका फर्स्ट कार्बन है किसका, शुगर मॉलिक्यूल का, बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये एनसर्कल करो, बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बाई अंडरलाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फिर से फर्स्ट नाइट्रोजन इन केस ऑफ पिरिमिडिन, अगर पिरिमिडिन होगा तो कौन से नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और अगर प्यूरिन होगा तो कौन से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, नाइन्थ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, शुगर की स्पेलिंग ठीक कर लो अगर गलत है,
शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अंडरलाइन कर लो, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्लियर। आप देखो न्यूक्लियोसाइड डिफरेंट डिफरेंट, सीधा आगे नीचे टेबल पे चलो, टेबल में यहां पे मेंशन करे हुए हैं बेटा बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस और ये शुगर मॉलिक्यूल, इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, किस किस को जोड़ रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हैं, और हमारे पास कॉम्बिनेशन में क्या बन के आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड बन के आ रहा है फिलहाल। ठीक है, टाइड नहीं, साइड। तो देखो अब बेसिस हमें पता है, नाइट्रोजिनस बेसिस दो तरह के हैं, प्यूरिन, पहले प्यूरिन ले लेते हैं। प्यूरिन में नंबर वन यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ए मतलब एडिनिन, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, जी का मतलब क्या है, ग्वेनिन, ठीक है, जी का मतलब क्या है, ग्वेनिन। तो देखो एडिनिन, एडिनिन अगर राइबोज के साथ जुड़ेगा, राइबोज के साथ बेटा, ठीक है, राइबोज के साथ, तो क्या बना देगा, क्या बना देगा, अभी हमने नाम किया था एडिनोसिन, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है, एडिनोसिन। ठीक है, अगर डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ेगा, डिऑक्सीराइबोज के साथ, तो क्या बना देगा, डिऑक्सी एडिनोसिन, क्या बना देगा, डिऑक्सी एडिनोसिन। क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर जी के साथ राइबोज मिलेगा, आर लिख दिया मैंने यहां पे मैंने डी लिख दिया, अगर राइबोज मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, ग्वेनोसिन, क्या नाम होगा, ग्वेनोसिन। और अगर डिऑक्सीराइबोज के साथ मिलेगा तो क्या नाम होगा, डिऑक्सी ग्वेनोसिन, क्या नाम होगा, डिऑक्सी ग्वेनोसिन। ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। अब आते हैं पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिमिडिन लिख लो पहले साथ में, सी मतलब साइटोसिन, सी मतलब साइटोसिन, टी मतलब थायमिन, थायमिन, एंड यू इज यूरासिल, यू इज यूरासिल। ठीक है, तो देखो साइटोसिन अगर राइबोज के साथ मिलेगा, ठीक है, तो क्या बना देगा, साइटिडिन, क्या बना देगा, साइटिडिन। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, साइटिडिन। अगर डिऑक्सीराइबोज के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, डिऑक्सीसाइटिडिन, क्या बनाएगा, डिऑक्सीसाइटिडिन, सॉरी साइटिडिन। ठीक है, अब बताओ जरा थायमिन किसके साथ जुड़ेगा, शाबाश, थायमिन आर के साथ या डी के साथ। अभी देखो पीछे हमने किया कि थायमिन सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ओनली इन द डीएनए, मतलब सिर्फ ये किसके साथ जुड़ेगा, डिऑक्सी राइबोज के साथ जुड़ेगा, डिऑक्सी राइबोज, तो क्या बन जाएगा बेटा, डिऑक्सी थायमिडिन, क्या बन जाएगा, डिऑक्सी थायमिडिन बन जाएगा। ठीक है, एंड यू, यू सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, राइबोज के साथ जुड़ेगा ओनली, और ये क्या बना देगा, यूरिडिन बना देगा, क्या बना देगा, यूरिडिन। बेटा दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सीधा ऐसे नहीं पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, यूरिडिन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोक एसिड क्या है, तो आपको पता चल गया। आप देखो यूरिडिन इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये सारे हमने क्या लिखे, न्यूक्लियोसाइड लिखे। ठीक है, थायमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, ओनली इन डीएनए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, डिऑक्सी थायमिडिन, थायमिडिन की सिर्फ यही फॉर्म होती है, डिऑक्सी थायमिडिन, और यूरासिल इट इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, मतलब इट इज ओनली यूरिडिन, क्या होगा, यूरिडिन। ठीक है, तो यूरिडिन इन आरएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लियर बेटा। अब आगे, अब ये तो था न्यूक्लियोसाइड, अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड, बहुत इजी। आगे देखो अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, मतलब फॉस्फेट जब जुड़ गया। ठीक है, तो देखो एडिनोसिन जब इसके साथ जुड़ा, फॉस्फेट प्लस पी मैंने लिख दिया सिर्फ, ठीक है, फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेटा, पहले क्या था, एडिनोसिन, अब इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम होगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, याद कर लो एक नाम, एडिनाइलिक एसिड, या फिर एडिनोसिन
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट कैसे मैं समझाती हूँ, ये देखो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐसे शुगर मॉलिक्यूल था, ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एडिनिन, ठीक है, ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। फिर हमने फिफ्थ कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, एडिनोसिन, एडिनोसिन एक फॉस्फेट जुड़ा है, मोनोफॉस्फेट, क्या नाम पड़ गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनो मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, क्लियर बेटा। या फिर दूसरा नाम क्या है, एडिनाइलिक एसिड, क्या नाम है, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। अब देखो ऐसे ही डिऑक्सी एडिनोसिन के साथ जब जुड़ेगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या फिर डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो जब ग्वेनोसिन के साथ जुड़ेगा तो क्या नाम पड़ेगा, ग्वेनोसिन के साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया तो उसका नाम क्या पड़ गया, ग्वेनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड या फिर ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वेनाइलिक एसिड या फिर ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, क्लियर बेटा। ऐसे ही डिऑक्सी के साथ क्या पड़ जाएगा, डिऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड या फिर डिऑक्सी डिऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्लियर बेटा। अब देखो अगर जुड़ा साइटिडिन के साथ, साइटिडिन के साथ तो क्या नाम पड़ जाएगा, साइटिडाइलिक, साइटिडाइलिक एसिड या फिर साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, साइटिडाइलिक एसिड या फिर साइटिडिन के साथ एक फॉस्फेट जोड़ दो, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे डिऑक्सी साइटिडिन के साथ डिऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड या फिर डिऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो इसके साथ डिऑक्सी थायमिन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, डिऑक्सी डिऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ठीक है, या फिर डिऑक्सी डिऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड या फिर डिऑक्सी थायमिडिन क्या जुड़ गया, एक फॉस्फेट जुड़ गया तो मोनोफॉस्फेट। यूरिडिन के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो यूरिडाइलिक एसिड, क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड या फिर यूरिडिन यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, क्लियर बेटा। तो इस तरह से एक न्यूक्लिक एसिड बना पड़ा होगा ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, किससे बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। आपकी बुक में एडिनाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बना पड़ा है, ये वाला स्ट्रक्चर एडिनाइलिक एसिड, ये वाला बेटा, ठीक है, फॉस्फेट सॉरी पेंटो शुगर, उसके साथ क्या जुड़ा है, एडेनिन जुड़ा है और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नेम एडिनाइलिक एसिड, क्या नाम है, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, क्लियर बेटा। तो पहले ये बेटा टेबल अच्छी तरह कंप्लीट कर लो, ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ।